जमान पार्क में पुलिस पार्टी पर हमले का केस, सनम जावेद की जमानत मंजूर। इंसदाद तहशीदी अदालत लाहौर ने पीटीआई कारकुन सनम जावेद की जमानत बाद हज गिरफ्तारी पर समाप्त की। सनम जावेद पर थाना रेस कोर्स ने मार्च में जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज किया था। 30 से जायद लोग इस वाके में जख्मी हुए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक। जी मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जमान पार्क में पुलिस पार्टी पर हमला करने के मुकदमे में पीटीआई कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इस हवाले से जमानती मुतलकों के बाद सनम जावेद को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और ये कहा कि सनम जावेद को जिमनी बयान की रोशनी में मुकदमे में नामजद किया गया। सनम जावेद ने जो इंटरव्यू और तकारीर की, हमने इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया और उस टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। सनम जावेद से 3 अदद पेट्रोल बम बरामद हुए जिसके तमाम पर सबूत मौजूद हैं और इस वाकये में 13 सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई। अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक।